कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कि रूखी सूखी खाकर आधे पेट पर जिंदा रहा, जिंदगी के रहम पर वो उम्र भर जिंदा रहा। जिंदगी जीने के भी आदाब होते हैं हजूर, जिंदगी जीने के भी आदाब होते हैं हजूर। मर गया एक शान से, एक रेंग कर जिंदा रहा, एक रेंग के जिंदा रहा। दो पंक्तियां लिखी थी, वो पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा अगले कवि को बुलाने से पहले। कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, हमको फिर ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। भाई छोटे भाई प्रशांत अग्रवाल यहाँ बैठे हैं, हास्य के बड़े कवि, उनका आमंत्रण होना चाहिए घनघोर तालियों से, आकाश भर तालियां उनके हिस्से में आनी चाहिए। भाई प्रशांत अग्रवाल। एक कवि तो भाई साहब श्रृंगार का गीतकार, इतनी बुरी आदत पड़ गई, शादी के अगले दिन सुहागरात पे घूंघर उठाया और चार गीत प्यार मोहब्बत के पेल दिए। पत्नी थोड़ा शर्माई मुस्कुराई, अगले ने कहा शर्मा मत ताली बजा। क्या बात है, तो ताली वाली आप बजाते रहे ना हमें क्या एक बार। हाँ अभी तक कवि सम्मेलन मुझे लग नहीं रहा, थोड़ा शुरू हुआ है। हाँ भाई साहब, हाँ भगवान ने खड़े होने के लिए पैर दिए, बैठने के लिए भी कुछ दिया है, बैठ जाओ देखो जरा। हाँ मुझे क्या टेंशन हो जाती है बार बार, मैं व्यवस्था जब तक बना नहीं लेता मैं शुरू नहीं हो पाता हूँ। आइए मैं शुरू करना चाहता हूँ। नहीं वाकई में मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, भगवान कसम बिल्कुल सही बता रहा हूँ। प्रताप फौजदार जी हमारे बीच में बैठे हैं, देश के बड़े कवि। आज से दो साल पहले जब मैंने कविता से जुड़ना शुरू किया, मैं दादा के पास पहुंच गया। मैंने कहा जी आपका बहुत नाम सुना है कविता में, आपकी कोई किताब आई हो तो मुझे दे दो, मैं उसको पढ़ करके कविता लिखना सीखना चाहता हूँ। बोले बिल्कुल दूंगा, अब तक किस किस की पढ़ ली पहले ये बता। मैंने कहा जी काका हाथरसी की पढ़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा जी हरिवंश राय बच्चन की भी पढ़ी थी, वो भी निकल ली। मैंने कहा जी दुष्यंत कुमार त्यागी की पढ़ी थी, वो भी चल बसे। मैंने कहा जी ब्रजेंद्र अवस्थी की पढ़ी थी, उनका भी नंबर लग गया, अब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बोले ये तो मरवाएगा मेरी किताब पढ़ के। भाई साहब तालियां तो अब चाहूंगा, अपने कमरे में गए चुपचाप, अभी रोकना जरा टाइमिंग सही करो, इनकी होशियारी पे तालियां बजाना आकाश भर। अपने में कमरे में गए चुपचाप, बड़ी एक साफ सुथरी किताब निकाल के लाए, मेरे हाथ में दी, बोले ये मेरी पत्नी की नई किताब आई है, इसे पढ़ियो। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, भगवान का समाज तक आज तक झूठ बोला ही नहीं, भगवान कसम खा रहा हूँ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और जब यहाँ सांसद महोदय बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आज तक बिल्कुल सही बता रहा हूँ, झूठ आज तक नहीं बोला सर। मैं आप मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सुनना, देखो मैं कब क्या बोल जाऊँ मेरा कुछ भरोसा नहीं है। और एक बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, ये जो मंच पे पीछे बैठे हैं ये सब बड़े कवि हैं, मैं इतना छोटा हूँ साहब जैसे एक 10 का नोट, और ये जो पीछे बैठे हैं ये हजार हजार 500 के नोट। आप सब लोग बाजपुर के होशियार लोग हो, आप जानते हो 10 का नोट चाहे फटा हो चाहे गला हो चाहे टेप लगी हो वो चल जाता है, और मार्केट में जो भी नोट बंद होते हैं। क्या बात है, वाह, मुझे आप भरोसे के साथ सुनना। हाँ भाई साहब आप भी कहीं अपनी जगह ले लो। हाँ पुरुषों में बैठना है तो क्या चॉइस करनी, बैठ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। अभी बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, वाह। आइए मैं शुरू कर देना चाहता हूँ। देखो हमारे बीच में बिल्कुल समस्या है ही नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। खालिद भाई ने बहुत अच्छी अच्छी शायरी आपके बीच में पढ़ी, तकी भाई ने बहुत अच्छा आपके बीच में कलाम पेश किया, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आज तक झूठ नहीं बोला साहब, और बिल्कुल सही बता रहा हूँ। सुरेंद्र जैन जी बैठे हैं, मेरे से कहने लगे कि शहीद दिवस पर कार्यक्रम है और थोड़ा सा हंसा करके फिर कविता सुनाना। मैंने कहा जी शहीद दिवस पर कार्यक्रम है तो वीररस की बात होनी चाहिए, हंसाने की क्या जरूरत। इन्होंने जो मेरे से बात कही, आपको मन हो हंसने का तो जरा शहीदों सम्मान में और इनके कथन पे तालियां चाहता हूं। इन्होंने कहा जी हंसाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि शहीद जो हुए थे वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे। क्या बात है, वाह वाह, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल व्यवस्था बन चुकी है, सुरेंद्र जी ठीक हो गया, बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था। चलो मेरा लिफाफा पक्का हो गया, इससे ज्यादा कोई ऐसी कोई बात नहीं है खास, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मोदी जी की बहुत सारी बातें हुई मेरे बीच में, मैंने बताया हमें तो ऐसा लग रहा था लाल किशन आडवाणी जी बैठे हैं, ऐसा मेरे महसूस हो रहा था। क्या लिया है भाई साहब, भाई साहब 2000 का नोट बचा के जेब में हो सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मोदी जी देश के बड़े नेता है भाई साहब, जहाँ भी जाते हैं मुरली मनोहर जोशी लाल किशन आडवाणी को जरूर ले जाते हैं, ले जाकर के उनको सामने वाली पहली पंक्ति में बिठा देते हैं।
खुद मंच पे आ जाते हैं, मेरी तरह भाषण देते हैं और एक बात अपने भाषण में जरूर बोलते हैं कि आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से, और ये दोनों आज जहां कहीं भी हैं। क्या कहने हैं, क्या बात है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा साहब, भाजपा की सरकार चल रही है आप सब जानते हैं, तो उन्होंने एक स्कीम जारी की कि जिनके यहाँ 4 बच्चों से अधिक होंगे उनको हिंदुस्तान की सरकार सब्सिडी देगी। सुना था ना भाई साहब आपने, तो ये स्कीम जारी हुई तो एक सरकारी कर्मचारी ने अपने 4 बच्चे लिखवा दिए, उसके सीनियर मैनेजर ने, बॉस ने उसको डांटा कि तुझे शर्म नहीं आती 4 बच्चे लिखवा दिए, भ्रष्टाचार का जमाना है, कम से कम 6 तो लिखवाता, 8 तो मैंने लिखवा रखे। भाई साहब कर्मचारी का दिमाग खराब, और अगर कर्मचारी के जवाब पे मैंने भ्रष्टाचार के सम्मान में बहुत अच्छा व्यंग कर दिया हो तो जरा मुझे शुरू कर देना। कर्मचारी बोला अपने बॉस से जब डांट खाई कि तुझे शर्म नहीं आती 4 बच्चे लिखवा दिए, 6 तो लिखवाता, 8 तो मैंने लिखवा रखे। कर्मचारी बोला साहब आपका कौन मुकाबला करेगा, आप शादीशुदा भी तो हो। क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा हूँ, देखो हाँ ऐसी कोई बात नहीं है लोड लेने की। हाँ बैठ जा भाई, मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो वहाँ खींच रहा था। ऐसे ही हो रहा है हिंदुस्तान में, बनाया जा रहा है आजकल। हाँ कुर्सियाँ जितनी भी पीछे खाली हैं जल्दी ले लो, पता नहीं भाजपा वाले कब ले जा। आजकल ऐसे ही हो रहा है हिंदुस्तान में, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हमारे तो सब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इतनी बढ़िया स्थिति है, 100 नंबर मिलाओ पुलिस आती है, 100 रुपये तो चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं हमारे। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आज तक झूठ नहीं बोला, मैं सही बता रहा हूँ सर। बताया गया मैं बीटेक पास आउट हूँ, जब मैं बीटेक में सर कॉलेज जाता था तो मोटरसाइकिल से जाता था सुबह सुबह, तो एक दिन मेरे को सुबह सुबह एक चौराहे पे रोक लिया, मेरे पास हेलमेट नहीं था, बोला साइड में लगा ले, तेरा 2000 रुपये का चालान कटेगा। मैंने कहा यार चालान कौन कटवाए, मैंने जेब से 100 का नोट निकाला उसकी जेब में रख दिया, बोले ठीक है जाओ। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगले चौराहे पे फिर कोई पकड़ लेगा, फिर 100 रुपये का नुकसान। बोले एक काम करना, आगे कोई पकड़े तो उसके कान में बोल देना पेप्सी। मैंने कहा ये क्या बात है भाई साहब, मजे की बात, अगले चौराहे पे पकड़ लिया, मैंने कान में बोला पेप्सी, भाई साहब छोड़ दिया। अगले चौराहे पे फिर पकड़ लिया, मैंने कान में बोला पेप्सी, भाई साहब छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो मजे आ गए। अगले दिन तो भाई साहब मैं गाड़ी के कागज भी घर रख गया और लाइसेंस भी दे दिया पिताजी को। मैंने कहा आप जरूरत नहीं है मुझे, अब पेप्सी थी ना भाई साहब अपने पास। भाई साहब मेरी किस्मत देखना, पहले चौराहे पे अगले दिन सुबह सुबह दोबारा पकड़ लिया, बोले लगा ले साइड में। मैंने कान में बोला पेप्सी, बोले अब तो बिल्कुल लगा ले, आज का लिमका है। बिल्कुल सही बता, हाँ कोई ऐसी बात है, क्या बात है, हाँ देखो हाँ खुल, हाँ अच्छी तरह हंसो आप। हाँ आप लोगों को हंसाने के लिए हमें बुलाया है, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी काफी है, कोई ऐसी बात नहीं। आइए मैं शुरू होना चाहता हूँ और बिल्कुल आपके बीच में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। आज बिल्कुल तकी भाई ने बिल्कुल सही बताया, हमें बिल्कुल आज बहुत कम पेमेंट पे बुलाया गया, और ऐसा नहीं है कि वाकई में कम पेमेंट पे बुलाया गया है, पेमेंट एक्चुअल में है ही कम हम लोगों की। मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, मैं तो ट्रेन में जा रहा था, मैं तो भाई साहब ट्रेन में जा रहा था आगरा में, एसी 2 टायर में ट्रेवल सेवा कर रहा था भाई साहब, ऊपर वाली सीट पे बैठा था तो मेरे नीचे वाली जो सीट थी आमने सामने की उस पे 2 लड़कियां लेटी हुई आपस में बात कर रही, आप आनंद लेंगे, पहली वाली दूसरे से पूछती है भाई तुझे शादी में कैसा पति चाहिए, दूसरी बोली भाई मुझे तो करोड़पति चाहिए। दिमाग खराब, बोले यार 1 करोड़ का एक पति नहीं मिला तो, बोले यार 50-50 लाख के 2 भी चलेंगे। क्या बात है, बोले यार 50-50 के 2 भी नहीं मिले तो, बोले कोई बात नहीं 25-25 लाख के 4 भी चलेंगे, इसके बाद 10-10 लाख के 10 भी चलेंगे। मेरा दिमाग खराब, मैं नीचे उतरा, मैंने कहा जब 100 रुपए पे आ जाओ एक नाम मेरा भी लिख लेना। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, झूठ बोलने की क्या जरूरत है, इसमें जो है वो है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तो जब सुरेंद्र जी का फोन आया, बोले प्रशांत भाई बाजपुर में कवि सम्मेलन है तुम्हें आना है, क्या पैसे लोगे। मैंने कहा छोड़ो यार पैसे वैसे आपसे क्या मांगने, ये बताओ और कौन कौन आ रहा है, बोले श्रीकांत शर्मा आ रहे हैं। मैंने कहा तो एक काम करना, श्रीकांत शर्मा जितने ले रहे हो उनसे 100 रुपये कम दे देना। बोले फिर तो ऐसे ही आ जाओ, वो 100 में ही आ रहे हैं। क्या बात है, हाँ कोई ऐसी बात नहीं, सबको ले, मैं बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लेना, शुरू कर दूं भाई साहब कविता और कुछ रहता। देखो मैं बिल्कुल जैसे मुझे आदेश है मैं वैसे ही करता हूँ। हाँ भाई साहब आप डांट रहे हो या आदेश दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो बताओ। हाँ अब कविता सुनाऊंगा, हाँ पर आप ये मत समझो आप शाहजहां और मैं जिल्ले इलाही। हाँ आइए मैं शुरू करता हूँ।
और निवेदन करना चाह रहा हूँ, जिस अवसर पर यहाँ हैं, मैं अब तक जो कर रहा था वो सुरेंद्र जैन जी के मन से मैं कर रहा था, अब जो मैं करूंगा वो अपने मन से करूंगा। और पहली चार पंक्तियों से मैं ये अंदाजा लगाऊंगा कि मुझे अपने मन की बात किस तरह और कितनी आपके बीच में रखनी है। पहली चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ सर, और आपको अच्छी लग जाए तो मेरे छंद पे वो तालियां दे दीजिएगा, मुझे लगे मेरा बाजपुर आना सार्थक हो गया। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपना काव्य पाठ, चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ देश के एक महान क्रांतिकारी के नाम, और लग जाए उसके उसके प्रति आपके दिलों में सम्मान बसता हो तो जरा हाथ खोल लेना। पहला छंद सुनिएगा कि बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। आखिरी पंक्ति में जिस महापुरुष का नाम आ जाए, आपको लगे उसके सम्मान में घंघोर तालियां होनी चाहिए, तो हाथ खोल लेना, बिल्कुल शर्माना मत, आज की रात आपके नाम। बिगड़ी हवाएं सारी, बिगड़ी फिजाएं सारी, आपसे बची है अब आस, चले आओ ना। कोई ना बचाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, आप पे है पूरा विश्वास, चले आओ ना। देश में अंधेरा छाया, दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश, चले आओ ना। आप तैयार रहिएगा। देश में अंधेरा छाया, दिल भी है घबराया, विनती है लेकर प्रकाश, चले आओ ना। एक ऐसी मूर्त है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। एक ऐसी मूर्त है देश को जरूरत है, दोबारा से नेताजी सुभाष, चले आओ ना। जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है। खालिद भाई आपने एक बात कही बहुत अच्छी, भगत सिंह पहले भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है। वहीं से एक बात उठाता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में होता है क्या है सर, कोई कहता है वंदे मातरम नहीं गाएंगे, अब खालिद भाई हमारे साथ है, तकी भाई हमारे साथ है, इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर वंदे मातरम गाया, क्या आप बता गए? मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कोई कहता है हमारे समुदाय को इस देश में डर लगता है, अब बताओ खालिद भाई आपको कुछ कह रहे हैं हम लोग, कोई बात है? मतलब ये दो घंटे हो गए, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, कौन सा डर है साहब? आमिर खान कह रहा है मेरी पत्नी को इस देश में असुरक्षित महसूस होता है। दादा एक हल्की टिप्पणी कर रहा हूँ लेकिन मजेदार है, आमिर खान की पत्नी को डर लग रहा है साहब? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्न पे आनंद आ जाए तो जरा हाथ खोलना। आमिर खान की पत्नी को जब डर लगा, मैंने एक प्रश्न किया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, जिस देश में सनी लियोन भी सुरक्षित है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या कहने है? उस देश में और किसी को क्या खतरा? अलग अलग बात हो रही है, वो ओवैसी कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। एक टिप्पणी करना चाहता हूँ साहब, और आपको लगे इससे सकारात्मक टिप्पणी मैं आज के इस कार्यक्रम में नहीं कर सकता, तो जरा अपने बेटे को आशीर्वाद देना, पूरा देश परेशान हो गया, भारत माता की जय कैसे नहीं बोलेगा साहब, लेकिन मैं इकलौता ऐसा आदमी था जो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा ओवैसी बिल्कुल मत बोलना भारत माता की जय, मेरा तर्क पहुंच जाए तो जरा आकाश पर तालियां मिले। मैंने कहा ओवैसी बिल्कुल मत बोलना भारत माता की जय, क्योंकि गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। सकारात्मक सोच का सकता, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये वो देश है। अभी पिछले दिनों एक हफ्ते पहले आपको ध्यान होगा, एक लड़की ने आंख मारी, वीडियो अपलोड करी तो 1 करोड़ से ज्यादा उसके फॉलोवर यूट्यूब पे हो गए। और ये वो देश है जहाँ कोई दुश्मन को मार देता है तो उससे सबूत मांगा जाता है कि दिखाओ कहाँ मारा। ये वो देश है, तब मैं कहना चाहता हूँ शहीदों का जितना अपमान होता है, मैं उनके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। शहीद होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, खालिद भाई आपने जो बात छोड़ी मैं उठाता हूँ, एक क्षण सुनिएगा, शहीद होना अपने आप में कितने गौरव की बात है। कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है, किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य पृष्ठ वाली एक खबर हो जाता है। मुझे बताया गया शहीद के परिवार के यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आपके सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। कि जिस भी शहर का शहीद कोई सैनिक हो, मशहूर साथ में वो शहर हो जाता है, किताबों में दब जाने वाला नहीं होता है वो, मुख्य प्रश्न वाली एक खबर हो जाता है। दोस्तों से लड़ना तो बदतमीजी होता, किंतु दुश्मनों से लड़ना तो हुनर हो जाता है, और मातृभूमि पे लड़ने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। मातृभूमि पे मरने वाला कभी नहीं मरता है, देश पे जो मरता वो अमर हो जाता है। भारती की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो,
एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। एक बार अफसर हुआ साहब, मैंने देश के सैनिकों के सामने कविता पाठ किया, उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि मैंने कहा आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा क्या है मुझे एक बार वो बता दो। हर आदमी की सर कोई ना कोई व्यक्तिगत इच्छा होती है अपनी अपनी। मैंने जब सैनिकों से उनकी व्यक्तिगत इच्छा पूछी, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, मैंने एक छंद लिखा, आपको लगे उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए तो मेरी तुकबंदी पे नहीं उनकी इच्छा के सम्मान में हाथ खोल लेना। क्या मांगता है हिंदुस्तान का सैनिक कि भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। भारत की शान को बिगाड़ने में जो लगा हो, एक बार हमें वो लफंगा मिल जाए बस। दाल रोटी मिलती रहे सदा ही जीवन में, पानी पीने के लिए माँ गंगा मिल जाए बस। गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। और आखिरी पंक्ति में तैयार रहिएगा, क्या पावन उसकी इच्छा होती है कि गाड़ियों की बंगलों की चाहत नहीं है कोई, अंतिम विदाई को पतंगा मिल जाए बस। केवल एक है तमन्ना जीवन की ये हमारे, मरने पे हमको तिरंगा मिल जाए बस। क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3 मिनट और, हाँ जी, एक कविता और आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। और मुझे जो 20 मिनट का टाइम दिया गया था, 15 मिनट हो चुके हैं, मैं 1-5 मिनट की आपके बीच में कविता और पढ़ देना चाहता हूँ। मेरे बारे में बताया गया, आज शायद मैं सबसे लंबी दूरी सर इस कवि सम्मेलन में तय करके आया हूँ। बेंगलोर से 2500 किलोमीटर की दूरी मैंने की। और क्यों मैं बेंगलोर में हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, 6 महीने पहले मेरी सर जॉब लग गई बीटेक के बाद बेंगलोर में। तो मैं जब अपने घर से दूर गया सर, आपके भी परिवार से कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो पैसे के लिए घर से दूर जाते हो, नौकरी के लिए दूर जाते हो। मैंने जब घर से दूर रह करके कुछ अपने साथ कमियां अनुभव की, तो मेरे से एक गीत लिखा गया। दादा सुनिएगा, और आपको लगे कहीं कविता हो गई हो तो मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। 2 पंक्तियां हाजिर करता हूँ सर। आज हमें किसकी याद आती है, जब घर से दूर रहते हैं कुछ कमियां अनुभव होती हैं। प्रशांत अब तक जो भी कर रहा था, यकीन मानिए, वो मंच की डिमांड थी। अब मैं एक मन की बात करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो आप आशीर्वाद दे करके सुन लीजिएगा। 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ गीत का मुखड़ा, और आप रिदम के साथ तालियां बजाएंगे दूसरी पंक्ति पे, मुझे अच्छा लगेगा। आज हमें किसकी याद आती है, घर से दूर रह करके जब कुछ कमियां अनुभव की तो हमें किसकी याद आती है। 2 पंक्तियां हाजिर करता हूँ सर गीत की। के दौलत का अनमोल खजाना याद आता है, दूसरी पंक्ति पे रिदम के साथ जुड़ जाइएगा। कि दौलत का अनमोल खजाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। और बंद हाजिर करता हूँ सर, मैंने पहली कमी क्या अनुभव की, मैं निवेदन कर रहा हूँ सर पंक्ति हाजिर। स्वागत है। के भूख न होने पर भी माँ भर पेट खिला देती थी, एक एक पंक्ति महसूस करिएगा क्या कह रहा हूँ। के भूख न होने पर भी माँ भर पेट खिला देती थी, सूखे चावल होने पर वो दाल मिला देती थी, रोटी पर ज्यादा से ज्यादा घी चिपड़ा जाता था, हाँ तब तक चूल्हा जलता था जब तक मैं खाता था। लेकिन आज क्या होता है, मैं अपनी पीड़ा पेश कर रहा हूँ। हाँ तब तक चूल्हा जलता था जब तक मैं खाता था, खूब कमाने पर भी अब मायूस हो जाता हूँ, आज मैं जब दफ्तर से आकर भूखा सो जाता हूँ, तो मुझको वो घर का खाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आ। एक बार जरा तमाम लोग जुड़िए, ऐसा मजा नहीं आया। माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। और दूसरा बंद हाजिर करता हूँ सर। आज श्रीकांत भैया, पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जरा सी भी तबीयत खराब हो जाए तो बहुत सारे लोग पूछने वाले होते थे कि क्या हो गया। लेकिन आज चाहे बहुत बड़ा दर्द हो या बहुत तेज बुखार हो, कोई पूछने वाला जब नहीं होता तो एक पंक्तियां मैं निवेदन करता हूँ, बंद हाजिर करता हूँ, क्या होता है। कि खांसी आ जाने पर भी माँ घबरा सी जाती थी,
चोट मामूली लगती थी तो हल्दी ले आती थी, तबीयत मेरी और रातें माँ की खराब होती थी। जब तक मैं ना सो जाऊं वो तब तक ना सोती थी। लेकिन आज क्या होता है मेरी पीढ़िया सुनिएगा, जब तक मैं ना सो जाऊं वो तब तक ना सोती थी। सर्दी हो सर दर्द हो चाहे खुद ही सहन करना है, बंदिश है कि अब मुश्किल से बिल्कुल ना डरना है। खुद को मेरे लिए जगाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। और अंतिम पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की, और दादा कुंवर बेचैन जी बैठे हैं जिनके ऊपर 30 से 35 लोग पीएचडी कर चुके हैं। सर मेरी कॉपी जांचिएगा, अगर मैंने हिंदी कविता में एक नया प्रतीक दिया हो, घर से दूर रहने के बाद श्रीकांत भैया एक कमी और होती है, और वो क्या होती है, आज जब मैं घर जाता हूँ 2-3 महीने में एक बार, तो मेहमान बना दिया जाता है, बेटा तुम्हारे लिए क्या लाया, कुछ चाहिए तुम्हें। आज से 6 महीने पहले जरा सी भी गलती हो जाती थी तो भयंकर डांट पड़ती थी, जूते यहाँ की छोड़ दिए, कपड़े यहीं फैले पड़े, लाइट जली छोड़ दिए। आज कुछ भी हो जाए साहब कोई कुछ नहीं कहता, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ अंतिम बंद इस कविता का, मुझे इसी आशीर्वाद के साथ विदाई दीजिएगा। नौकरी और पैसे ने बीच में आकर के क्या रिश्ता कमजोर कर दिया है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। पहले क्या होता था अब क्या होता, कि कोई सुख दुख होता था तो बांटा भी जाता था, गलती होने पर समझाया डांटा भी जाता था, कपड़े गंदे होने पर मुझको धमका देती थी, मैली से मैली कमीज भी माँ चमका देती थी। लेकिन आज क्या होता है सर, मैली से मैली कमीज भी माँ चमका देती थी, घर जाता हूँ तो मुझको मेहमान बना देते हैं, अपनी सारी पीड़ा से अनजान बना देते हैं, बात बात पर वो हड़काना याद आता है, माँ मुझको तेरा समझाना याद आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शहीद दिवस पर एक बार तमाम लोग। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।